नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, हम आपको सोलर पंप के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि कैसे आप अपने पॉकेट से बिना एक रुपए खर्च किए हुए भी अपने खेत में सोलर पंप लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में हम आगे इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो साथियों, चलिए हम आ चुके हैं बिहार के समस्तीपुर जिले में। यहाँ आप देख सकते हैं सोलर पैनल लगा हुआ है और आसपास में बहुत सारे खेती की गई है, अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है। बिहार का समस्तीपुर खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर सब्जी और अलग अलग तरह की बागवानी की खेती की जाती है। यहाँ पर मशरूम की भी खेती बहुत प्रसिद्ध है। बिहार के समस्तीपुर जो है, यहाँ पर बगल में एक पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज है जो कि पूरे विश्व में फेमस है, भारत में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ के साइंटिस्ट हमेशा एग्रीकल्चर से जुड़े हुए किसानों को मदद करते हैं, हमेशा किसानों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। यहाँ बगल में यह जो सोलर पैनल लगाया गया है, यहाँ के स्थानीय जो कृषि सलाहकार हैं उन्हीं के मदद से लगाया गया है। तो यहाँ पर हमें एक गांव के ही स्थानीय किसान यहाँ पर हमें दिखाने के लिए लाए हैं। चलिए इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं इसके बारे में पूरी गहराई से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हो गया बिलट पासवान जी, पोस्ट हो गया शंभूपट्टी जी, ग्राम हो गया नारायणपुर डरिया जी। अच्छा, ये मतलब अभी कौन सा जिला पड़ता है? समस्तीपुर जिला हो गया। अच्छा, समस्तीपुर जिला। ये जो सोलर प्लेट लगा है, यह कैसे मतलब कि आप लगवाए हैं, सब्सिडी द्वारा या किस थ्रू से लगवाए हैं, आप उसके बारे में बताइए। सब्सिडी द्वारा लगाया गया है। अच्छा, मतलब आपके लिए, इसके लिए आप मतलब किसी कंपनी से कॉन्टेक्ट किए या फिर किस तरह से? कंपनी से है, HDFC बैंक है। अच्छा, ये HDFC बैंक द्वारा जी। अच्छा, उसके लिए मतलब बैंक से आप लोगों ने संपर्क किया या फिर कैसे, उसके बारे में बताइए। ये आए थे किसान सलाहकार जी, तो उन्होंने कहे जी कि आप लोग एक बोर्डिंग करवाइए। अच्छा अच्छा, हम आपको करवा रहे हैं जी, जमीन दीजिए दान में। अच्छा अच्छा, तो उनको जमीन दान में दिया गया। अच्छा, वही करवा दिए। अच्छा, मतलब ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है या समूह में? समूह में। अच्छा, मतलब इस गांव, अच्छा इस गांव के मतलब बहुत सारे लोग इसके मेंबर है। हाँ है, 20-25 आदमी। अच्छा, मतलब इस जो ये जो पंप है, इससे गांव के कोई भी मतलब जो इसके मेंबर है वो भी पटा सकते हैं पानी? वो भी पटा सकते हैं। अच्छा, मतलब सभी लोग के सहयोग से बना है? सभी लोग के सहयोग से। अच्छा, किसान सलाहकार आए तो आपको क्या मतलब, क्या आप लोग से पूछे जी कि आप लोग का इधर पानी का बहुत प्रॉब्लम है जी, तो हम लोग का यहाँ से पानी का प्रॉब्लम है, तब वही कहे कीजिए वो बोर्डिंग करवाइए, स्टेट बोर्डिंग। अच्छा अच्छा, हम आपको देंगे जी, तो वही दिए हैं, तो हम लोग करते हैं। मेरे प्यारे किसान साथियों, बगल में रेलवे ट्रैक है, इस कारण साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। जैसा कि इन्होंने बताया, 3 साल से यह सोलर पंप चला रहे हैं। सर, 3 साल में कोई इसमें दिक्कत आया है? कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल से लगातार आप लोग चला रहे हैं? 3 साल से लगातार चला रहे हैं। मेरे प्यारे किसान साथियों, सोलर पंप से पानी पटाना बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें एक फ़ायदा नहीं, अनेक फ़ायदे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि 3 साल से इसमें कोई खराबी नहीं आई है और एक बार भी रिपेयरिंग का जरूरत नहीं पड़ा। यह देख सकते हैं आप, 5 HP का मोटर अंदर में लगा हुआ है। आप कितना भी अच्छा पंप सेट लेते हैं या फिर इलेक्ट्रिक मोटर ही लेते हैं, आपका बार बार मोटर चलने की समस्या होती है या फिर पंप सेट भी 5-6 महीना पर बराबर कुछ न कुछ उसमें खराबी आते रहती है। और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, एक पैनल में 8 सोलर प्लेट लगा हुआ है और दूसरे पैनल में भी 8, कुल मिला के 16 का जो प्लेट है, 16 सोलर प्लेट लगा हुआ है और इसमें 5 HP का मोटर लगा हुआ है। बस 2 चीज़ें हैं और इसमें खराब होने का समस्या थोड़ा भी नहीं है। एक बार आपने लगा दिया, उसके बाद फिर दोबारा आपको सोचना ही नहीं है। इसको चलाने बंद करने में भी कोई समस्या नहीं है, एक बच्चा भी यूज कर सकता है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि इसको किस तरह से चलाया जाता है। आप क्लियरली देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ से स्विच ऑन प्लेट के नीचे, जस्ट नीचे यहाँ पे स्विच दिया गया है, यहाँ से स्विच ऑन करने के बाद वहाँ से ऑटोमेटिक पानी निकालना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये मतलब किसी भी समय आप चला सकते हैं? धूप रहने के बाद। अच्छा, नहीं रहा तो नहीं चलेगा। अच्छा, इसको अभी थोड़ा चला के हमारे किसानों को दिखाइए 2 मिनट के लिए। इसे कैसे ऑपरेट किया जाता है, हम आपको लाइव दिखाते हैं कि कितना पानी देता है और सब पूरा डिटेल्स हम देखेंगे। तो यह इन्होंने स्विच ऊपर से लॉक एक लगा रखा है, जो अंदर में जो पाइप होता है उसमें, ताकि कोई बच्चा या फिर कोई दूसरा आदमी इसको ऑन ना कर सके। देख सकते हैं क्लियरली,
अंदर में सिर्फ एक जो प्लग है ऊपर से, प्लग को ऊपर कर दिए। अब चलिए हम देखते हैं वहाँ पे पानी अब शुरू होगा धीरे धीरे। अब इसमें पानी आना शुरू हो चुका है, आप क्लियरली अभी देख सकते हैं। अभी ज़्यादा धूप भी नहीं है, अभी दिसंबर का महीना है और बिहार में दिसंबर में बहुत कम धूप रहता है, फिर भी पानी बहुत अच्छा पानी दे रहा है। क्योंकि पंप सेट भी आप अगर चैनली चलाते हैं तो पंप सेट से भी इससे ज़्यादा पानी नहीं देता है। और इन्होंने बताया है कि जब बहुत ज़्यादा धूप रहता है मई जून के आसपास में तो इसका लगभग डबल पानी देता है, बहुत हाई स्पीड से पानी देता है। और आसपास का जितना किसान का सभी का खेत इसी पंप सेट से पटता है। सब तो ठीक है और भाइयों अंतिम में यक्ष प्रश्न यह बच जाता है कि इसमें पैसा कितना लगेगा। तो रहा सवाल पैसे का, तो आपको अपने जेब से एक भी रुपया नहीं देना है। इसमें जो बैंक है या फिर जो IDF संस्था है, अगर आपके लोकलिटी में IDF संस्था है तो उससे आप संपर्क कीजिए, या फिर HDFC बैंक के अधिकारियों से भी बात कर सकते हैं। अगर कोई नहीं तो अंत में आप अपने स्थानीय कृषि सलाहकार से बात करें, वह आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताएंगे। तो यहाँ के किसानों ने इस सोलर पैनल से अलग अलग बैटरियों को भी कनेक्ट कर रखा है जिनसे इनको मुफ्त की बिजली भी मिल जाती है। चलिए तो अब इस पंप को बंद करते हैं क्योंकि बिजली ना सही लेकिन पानी तो ज़रूर बर्बाद हो रहा है। उम्मीद है आपको सोलर पंप के बारे में कुछ अलग जानकारी मिली होगी। इसी तरह से हम अपने चैनल पर लगातार कृषि से जुड़े हुए अलग अलग मुद्दे पर वीडियो लाते रहते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम लगातार आगे भी कृषि से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।